नमस्कार बंधुरा, আমি কার্তিক বর্মন, ওয়েস্ট বেঙ্গল কোচবিহার থেকে। তো আজ হাম বাত করেঙ্গে কি বিএসসিস গাড়ি মে, আগর মান লিজিয়ে আপকা বিএসসিস গাড়ি হে অর আপকা গাড়ি কে ক্লাস্টার মিটার মে লিখা দেখা রহা হে কি E21 ডিএফ ডোজিং মাল ফাংশন এসে করকে ইন্টিগ্রেশন কর রহা হে, ইয়া আপকা ডিআইএস মে ক্লাস্টার মিটার মে বগল মে এক ডিআইএস মিটার রহতা হে, উসমে আগর এসে করকে ইন্টিগ্রেশন দে রহা হে, खास करके डीजल गाड़ी में। पेट्रोल गाड़ी में ऐसा इंडिकेशन नहीं देगा। तो क्या इंडिकेशन दे रहा है? E21 डीएफ डोजिंग माल फंक्शन ऐसे करके इंडिकेशन करेगा। तो सबसे पहले जो वनर है उसको, उन लोगों को क्या करना है कि गाड़ी को नज़दीकी डीलर या कोई गैरेज में लेके जाना है और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है। अगर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं किया तुरंत ही, तो आगे जाके आपका गाड़ी में ओबीडी लैंप ग्लो करेगा, उसके साथ साथ पिकअप इशू आ जाएगा। तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत आ जाएगा और नेक्स्ट जाके काम करने का प्रोसीड्योर लॉन्ग होगा। तो इसलिए ये कस्टमर के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी आप नज़दीकी डीलर या कोई गैरेज में लेके जाके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। और टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए ये मेरा इन्फॉर्मेशन है, अगर ऐसा करके क्लस्टर मीटर में ये लाइट इंडिकेशन कर रहा है या इंडिकेट दे रहा है कि E21 डीएफ डोजिंग मल फंक्शन, तो आपको क्या करना है? अगर ऐसे करके इंडिकेशन देगा तो आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे काम करना है, उसी के बारे में ये थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करें तुरंत ही। तो चलो देखते हैं। तो फाइनली जाके आप जब गाड़ी में इग्निशन ऑन करोगे या गाड़ी को स्टार्ट करोगे, तब जाके आपका ये लाइट क्लस्टर मीटर में या डीआईएस में इंडिकेशन करेगा कि आपका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, या अलर्ट सिस्टम में जाके आप देख सकते हो कि आपका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इस गाड़ी में क्या हो रहा है, स्टार्ट करने के बाद या इग्निशन ऑन करने के बाद क्लस्टर मीटर में दिख रहा है कि E21 DF डोजिंग माल फंक्शन ऐसा करके इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए आपको कोई घबराने के बाद नहीं और चिंता का कारण भी नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए क्या कुछ करना है पूरा डिटेल जानकारी के साथ आपको बताएंगे और लाइव आपको दिखाएंगे भी इसमें क्या फॉल्ट हुआ है और किस वजह से ये लाइट क्लस्टर मीटर में ग्लो कर रहा है। कुछ कुछ गाड़ी में जो BS6 डीजल कार है उसमें DIS में भी ये लाइट इंडिकेट कर सकता है। ये ऐसे करके दिखेगा E21 DF डोजिंग माल फंक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस चेक करना है। पहले फ्यूज चेक कर लेना है और रिले चेक करना लेना है। उससे पहले आपको बोनट खोल के फिजिकली चेक कर लेना है ये आपका DF का या साइलेंसर का इशू हो सकता है। तो अगर ऐसे करके आपको नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमारा बोनट खोलने के बाद ही मिल गया कि चूहा ने डीएफ का पाइप को कट कर दिया और वायरिंग को भी कट कर लिया, इसलिए इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम हुआ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है, सभी फ्यूज से के रिले सब चेक कर लेना है। उसके बाद जाके आपको ये वायरिंग को रिपेयर करना है, अगर खराब हो जाएगा तो पूरा चेंज कर लेना है। और उसके बाद जाके आपको ये जो डीएफ का पाइप है, जहाँ जो पाइप डोजिंग मॉड्यूल में लगा है, उसको रिप्लेस कर देना है और गाड़ी को चलाना है। और उससे पहले आपको कोट को क्लियर कर देना है। अगर क्लियर करने से नहीं जा रहा है फिर भी आपके क्लस्टर मीटर में ये लाइट ग्लो कर रहा है, तो आपको जाके गाड़ी को चलाना है 20 से 40 किलोमीटर तक, तब जाके ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे करके आपको काम करना है और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं।